हेलो एवरीवन, खम्मा गणी सर वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। मेरी मम्मी मम्मी आई हुई है रवि के पास रहने के लिए, मेरे भाई का जो फ्लैट है ना वहाँ पे। और अभी कोमल और मम्मी का फोन आया था कि वो झोटवाड़ा आ रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, तो मैंने बोला मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि अब पहले तो वह कन्नू भाई साथ थे उनके साथ आ जाती थी और ये लेके नहीं आते, बच्चों में टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं अभी आ गई। मैं और कोमल ना सेम ड्रेस पहना है, ये वाली ड्रेस है ना ऐसी मैंने लास्ट टाइम कोमल के लिए कराई थी, कोमल ने वही पहना कि मैंने वही पहन रखी सेम, और अब कुछ पसंद करते हैं। मैं इसको कह रही हूँ तेरे को कोई और सूट नहीं मिला, कह रही तेरे को नहीं मिला। तो तू काफी बार पहन चुकी है, मैं तो सेकंड टाइम। कोई नहीं लेके जाता ऐसे, आ जाओ। अरे कोई नहीं लेके जाता मम्मी यहाँ पे, मेरी स्कूटी और थोड़ी अंदर कर देती, कोई नहीं लेके जाएगा, ढंग से लगा दी मैंने। मैं स्कूटी से आई हूँ, कोमल और मम्मी कैब से आए हैं, तो मैं स्कूटी से सीधा अपने घर चल जाऊंगी, कोमल और मम्मी वापस कोमल के घर चल जाएंगे। एक्चुअली रवि का जो फ्लैट है मेरे भाई का कोमल के घर के पास ही है, तो ये मम्मी को पिक करते हुए ले। मेरी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं चूड़े, आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में भी देखी, कॉर्नर वाली है झोटवाड़ा में ना, और भैया कह रहे थे बहुत मतलब बहुत सारे लोग आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आते हैं, है ना। तो भैया को बहुत अच्छा लगा, बोले आपकी वजह से ना बहुत सारे लोग कस्टमर आते हैं हमारे पास। तो मैं ना बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैं झोटवाड़ा तो आना ही नहीं होता, खातीपुरा से वापस चली जाती हूँ, आज कोमल मम्मी की जैसे आ गई तो मैंने एक दो कड़े पसंद किए दिखाती हूँ। तो मैंने ये दो पसंद किए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आजकल बहुत चल रहे हैं कांच वाले ना, कोमल ने ये सारे पसंद। तो हम लोगों ने चूड़े वगैरह तो ले लिए, और अभी हम लेंगे ड्रेस, राजपूती ड्रेस, मतलब बेस वगैरह कोमल को लेने हैं, ले रही है कि वैसे मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिलवा भी चुकी हूँ, बट देखते अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ले लूँगी। बेसिकली मैं तो मतलब जो बैंगल्स वगैरह लेने ही आई थी तो ले लिया, बाकी अगर मुझे पसंद आता है तो मैं कुछ और भी ले लूँगी। जोड़ दू, मैंने जोड़ तो ले लिया, अब लहंगा पसंद कर रही हूँ, उसमें दिक्कत है। मैं जोड़ लेना चाह रही थी, इसने मुझे पूरा 4 मीटर दिलवा दिया, मेरे पैसे लगा रही लड़की। चाहे अब हम हो गया ना, फिर दिला दिन सारा। तूने दिलाया, मैंने तेरे को दिलाया? कुछ नहीं दिलाया, तूने तो 1 रुपये कम नहीं कराया। मैंने ये 4 मीटर पसंद किया। तो मैं आ गई घर पे, फटाफट आई, कोमल और मम्मी तो मतलब थोड़ी देर पहले ही चले गए थे, मैं अपना बिल वगैरह करा रही थी क्योंकि उनको कैब से जाना था, और मैं फटाफट आई मेरे तिल्लू मिल्लू की वजह से। मेरे दोनों लड्डू गोपाल, और ले मेरा बच्चा राधे 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 राधे। अरे नंगू रे, तो राधे राधे कर दो। पापा को देख रहे हो? हाजिरी लगा रही अपनी अटेंडेंस। रुदो आले दिया, इधर कहा जाएगा कहा जाएगा। तो मैं कुछ जोड़ तो मम्मी के लिए लेके आई हूँ, कुछ अपने लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ना वर्क के तो बहुत है, बट मेरे पास प्लेन मतलब थोड़े बिना वर्क के नहीं थे, थोड़े अच्छे लगते हैं कहीं आओ जाओ तो फिर मैं मेरे लिए लेने गई थी, तो मैंने मम्मी के लिए भी ले लिए, और मैं मम्मी को दिखा के अंदर रख दिए, फिर मेरे को ध्यान आया अरे मैंने आप लोगों को तो दिखाया ही नहीं, आप लोग पूछते क्या लिया, तो फिर चलो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकियों का पता नहीं, इनका जरूर पता है, ये जरूर पीछे करो इन दोनों को। पहले पहले मैं आपको मम्मी के दिखाऊंगी, मम्मी के लिए 3 जोड़ लेके आई हूँ, क्योंकि मम्मी के पास थे नहीं नए, तो मम्मी ने कहा था सिंपल सोबर चाहिए मम्मी को, तो एक ही मैं बंदेज का लेके आई हूँ मम्मी के लिए, ठीक है। एक मम्मी के लिए ये लेके आई हूँ प्लेन जोड़, ये थोड़ा गाजरी कलर है, आपको वीडियो में डार्क दिखेगा, और एक ये लाइट पिंक कलर लेके आई हूँ मम्मी के लिए, मम्मी को बेसिकली घर में पहनने के लिए चाहिए थे, और एक ही मैं अपनी मर्जी से लाई, मम्मी ने तो प्लेन ही मंगाए थे, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे लिए मैं जो लेके आई हूँ, मेरे लिए भी सिंपल ही है, एक मेरे लिए ये वाला बंदेज का लेके आई हूँ मैं, ठीक है। दूसरा मैं ये येलो कलर में बंदेज का लेके आई हूँ, बंदेज पता है बंदेज एक ऐसा वर्क है जो सदाबहार है, हमेशा अच्छा रॉयल एलिगेंट लगता है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ, ये सिंपल सोबर सा, पहले मैंने ना ऐसा जोड़ लिया था और उसके ऊपर मैं लहंगा लगवा रही थी, फिर मुझे 4 मीटर ना इतना ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, बहुत प्यारा डिजिटल प्रिंट में है ये, और इसके साथ ये ओढ़नी मैं लेके आई, इसको प्योर के साथ भी पहन सकते हैं बहुत सुंदर लगेगा, तो फिर मेरा मन बदल गया, तो मैंने जोड़ तो रख दिया और मैंने 4 मीटर और ये ओढ़ना ले लिया, तो मैं 3
और मैं आपको मैं बैंगल्स भी लेके आई हूँ मेरे और मम्मी के लिए। तो ये वाले बैंगल्स ना अभी नए चल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, ये वाला लेके आई हूँ मम्मी के लिए। अच्छा मेरी मम्मी को कहा जो आपको अच्छा लग रहा है वो ले लो तीनों में से, तो मम्मी को ये अच्छे लगे। और ये आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये वाले कांच के, तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और एक मैं लहरिए की ये लेके आई हूँ बैंगल, ये वाले अच्छी है ना। वैसे क्या मेरा जाना होता नहीं है, मम्मी और कोमल आए हुए थे तो कोमल मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन किया था, बोले हम झोटवाड़ा जा रहे हैं, मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ, ये बोले चले जाओ। वैसे मेरा जाना हो नहीं पाता, तो इस बहाने में उनके साथ मैंने भी शॉपिंग कर ली, वरना बच्चों के चक्कर में कि हम जा नहीं पाते। नया सीखी है बॉटल से खुद ही पानी पी रही है, गंदू सो रहा है हमारा। दो ओए गंदा गंदी गंदा हो अच्छा, इसको पता नहीं गंदा वर्ड क्यों इतना अच्छा लगता है, जैसे गंदा बोलते हैं हंसती है, गंदी गंदी गंदा। अब अच्छा आप लोग पूछोगे मैंने ये बैंगल्स और ड्रेस कहाँ से ली। अच्छा मैं यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, है ना, ये मैं जेन्युइनली जहाँ से लेती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने बैंगल्स लिए वो मैंने गोविंदम ज्वेलर्स है, बहुत छोटी सी शॉप है, आप झोटवाड़ा में मेन रोड पे जाओगे तो कोटा कचौरी वाली शॉप है, उसके जस्ट अपोजिट मतलब उसके जस्ट साइड में है गोविंदम ज्वेलर्स, कोने में छोटी सी शॉप है, वहां से लिए। और जो ये ड्रेस है राजपूती ड्रेस, मैंने जो सूट लिए वो मैंने लिए सरदार जी की शॉप है ना अमर टेक्सटाइल, वहां से लिए, ठीक है। तो ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से आप लोगों की हेल्प हो सके आप लोग पूछोगे इसलिए बता रही हूँ, है ना भाई, क्योंकि ये सब लोग हमारी फैमिली है, ठीक है। हाँ उसको चाहिए गोदी, इसको खड़ी सवारी चाहिए। अरे गंदा 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 पहले ना जब भी मैं आप आ नहीं रहे ढंग से आओ तो आप ज्यादा लंबे हो गए। पहले ना मैं कभी भी मार्केट जाती थी ना चाहे थोड़ी देर के लिए, मैं हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती थी, बट अब मेरे बच्चे हो गए मुझे इनकी ज्यादा टेंशन थी। तो ये मुझे फोन करके ना फिर डांटते, पता है कि तू अभी तक आई नहीं, मैं क्या 7 बजे तो वहाँ पहुंची थी, ठीक है, और अभी 8:30 बजे घर आ गई, तो अब थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। वेरी गुड डांटते तक आई नहीं, बच्चे संभाल लेते, मैं फटाफट आई, मैंने कहीं मुझे डांटना पड़ जाए इस वजह से। रियली अप्रिशिएट। और आज पता आपको मेरे को इतना अच्छा लगा स्कूटी चला के, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी वैसे ऐसा नहीं स्कूटी चलाई है, निकू वैसा के साथ भी गई थी उस दिन, बट ऐसे अकेले ना मतलब अलग ही फीलिंग आती है आजादी वाली, वो बहुत मजा आता है। स्कूटी सीखी ना जना हाई स्कूल में पढ़ावा जाती है टाइम खाती पूरा का माने जना मैं पीछे पीछे जाता हूं बाइक लेकर के आटा चला भी ये फोन चला भी पहले ये साथ लेके जाते थे, फिर मतलब सुबह तो ये मेरे को छोड़ जाते थे ये चलाते थे, फिर आते टाइम में ना मैं चला के लाती थी और ये बाइक लेके पीछे 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 आते। ये आप सही बताइए इनको क्या कर रही हैं दोनों, और लाते मार रहा हूं उसको देख, अरे इतना बदमाश है ये मूतनिया सेठ, मेरी 3 टी-शर्ट गंदी कर दी इसने मूत मूत के टिंगे ने। हाँ बोले पापा इतने टाइम तक आपने टी शर्ट बचा ली है, कौन धोएगा उसको, बोले वॉशिंग मशीन। हाँ खुद की एक भी टी शर्ट नहीं करी। और आज ना हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले मुझे मार्केट में, मैं आप सबको सॉरी सबको कैप्चर नहीं कर पाती है ना, बट एक सब्सक्राइबर मतलब सीरियसली बहुत जेन्युइन थे वो, मतलब वो बच्चों के लिए इतना ज्यादा उनको था ना कि वो इतना ज्यादा बोले जा रहे थे कि मुझे बच्चों को खिलाना है मुझे बच्चों को खिलाना है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलके मैं बहुत अच्छा लगता है ना, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट देते हो और बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हो। और वो कह भी रहता है बच्चों को लेके नहीं आए, मैंने कहा बच्चों को स्कूटी पे कैसे लेके आओ, बड़े हो जाएंगे तब एक को तो चले वो 3 इडियट की तरह ऐसे ऐसे हवा में लटकते आएंगे फिर। अभी बज गए रात के 10:01, सीधा देखो तो भी यही है ना, उल्टा देखो तो भी 10:01 हो रहे हैं, 10 बज गए और इन बच्चों का हो रहा है अभी मेकअप, रिद्धि हमारी करने लगी, रिद्धि क्या कर लो तो इनकी तैयारी हो रही है सोने की, वो मेकअप कर रही है मैडम, ये हमारा टिल्ला नहीं मुंह में नहीं लेना इसको रिमोट का, गंदे गंदे लड़के। लो रिद्धू रेडी हो गई, रिद्धू भाई रेडी हो गई, आजा बेटा अब रुद्र की बारी है। नाइट में हमने पहना है, मैंने आपको
बताया था कि मैं नाइट सूट भी पहनाती हूँ और नाइट सूट की जगह ये कॉटन ही कुर्ते पजामे पहनाती हूँ, तो आज मैंने कुर्ते पजामे पहना। एक दिन हम नाइट सूट पहनाते हैं, एक दिन हम कुर्ते पजामे पहनाते हैं, क्योंकि वो एक दिन धुलते हैं फिर अगले दिन धुलेंगे तो फिर नाइट सूट पहनेगा। कुर्ते पजामे तो इनके पास 5-6 है, अलग अलग है। नाइट सूट के इनके छोटे हो गए, अभी मैं नए ऑर्डर करूंगी इनके लिए। चलो अब इसको हटा और उसको दो। चल भाई तो मेरा रुद्र भी रेडी हो गया, इसको भी इसके कुर्ते पजामे पहना दिए और रिद्धि को भी पहना दिए। अब लग रहे ना दोनों ट्विंस हैं एक जैसे कपड़ों में। अच्छा ये पता इनको क्या आजकल रिमोट चाहिए खेलने के लिए, ये पाउडर क्रीम ये सब चाहिए इनको, वैसे नहीं खेलते। राधे राधे, ये राधे राधे करना सीखी, इसको बोल देते राधे राधे करती है, ये देख रहा है। तो अब जाके फ्री हुए हैं, दोनों बच्चों को रेडी कर दिया, तो अब इनका सोने का टाइम हो गया। इन दोनों ने फीड भी ले लिया है, दूध भी पी लिया है। तो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमारा गणेशा बाय बाय। अरे 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 रिद्धु रुद्र कहाँ गिर रहा है, एक दूसरे पर गिर के हंस और रही है। बाय गंदी। रुद्र हमारा सो गया कब का, ठीक है वो 10:15 सो गया था और ये अभी भी सो ही नहीं रही है। मम्मी बोले तू तेरा दूध पिला दे, क्या पता उससे सो जाए, पहले हमने फॉर्मूला पिलाया था दोनों का, मेरा भी पिला दिया उससे, इसको और एनर्जी आ गई, उससे और खिलखिला के हंसा लग गया। वो देखो तो सो भी गया, रुद्र तो सो गया, और ये शैतान लड़की, ये गुड्डा है ना गुड्डा, ये सोने का नाम भी ले रहा है।